बॉलीवुड की मशहूर गायिका मोनाली ठाकुर की लाइव परफॉर्मेंस पर झूमे छात्र छात्राएं। मेरठ बाईपास क्रॉसिंग स्थित MIT कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कोलहल 2019 रहा। इस दौरान कोलहल 2019 के मुख्य आयोजक डॉक्टर नितिन गर्ग ने बताया, 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का शुभारंभ 14 फरवरी को होगा और 16 फरवरी तक चलेगा। ये सांस्कृतिक वार्षिक उत्सव 2019 का 12वां संस्करण है। प्रथम दिन ओमराह म्यूजिक, गायन, रंगमंच, नाटक, फैशन शो और फिरौन बैंड परफॉर्मेंस जैसे प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं फैशन शो की शो स्टार सोनाली का सहाय सुपर मॉडल है, जो लैक्मे फैशन वीक और फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया की शो स्टॉपर रही है और IPL टीमों में भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। मीडिया प्रवक्ता अजय चौधरी ने बताया, कोलहल के दूसरे दिन बैटल ऑफ बैंडेड और कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें राकेश तिवारी, पुष्कर चौहान, संगीता युधवंशी, अमन चुग, मनराज सिंह जैसे कवि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और तीसरे दिन मिस्टर और मिसेज कोलहल की भी चुने जाएंगे। सर, आज आपने जो प्रेस वार्ता की है वो किस विषय में है? ये हमारे यहाँ एक 3 दिन का कल्चरल फेस्ट होता है कोलहल। ये पिछले 12 साल से हमारे चल रहा है, सन 2007 से, और इसका 12वां संस्करण है ये। तो वो हमारा जो बेसिक उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो यही था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलहल में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बता सकें। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत इस कोलहल की है कि इस कोलहल को हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वही रन करते हैं। इसमें जितनी भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपने पोस्टर्स देखे या आपने जो टीजर्स वगैरह देखे, वो सब बच्चे ही डिज़ाइन करते हैं। इसमें जो पहला दिन होता है उसमें सुबह के टाइम इनॉग्रेशन होता है और पूरे दिन अलग अलग प्रकार के इवेंट चलते रहते हैं। और इस पहले दिन का जो मुख्य आकर्षण होता है वो होता है कि इसमें फर्स्ट डे फैशन शो करते हैं, और इस फैशन शो में इस बार जो हमारे शो स्टॉपर आ रही है वो आ रही है सोनालिका सहाय। और इस फैशन शो का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इसमें जो भी बच्चे रैंप अप करते हैं वो हमारे विद्यालय के ही होते हैं। और इससे जो हमें बेसिक फ़ायदा दिखाई देता है वो ये देता है कि इससे बच्चे को अपने आप को प्रेजेंट करना आएगा, आगे वो इंटरव्यू देने जाएगा या बाकी सब चीज़ों में जाएगा, तो वो अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करे, जो एक स्टेज फोबिया होता है बच्चे का वो ख़त्म होता है उससे। जो दूसरा दिन है उस दिन भी बाकी इवेंट्स जो चलते ही रहते हैं, मुख्य आकर्षण होता है कवि सम्मेलन। इस बार कवि सम्मेलन में जो हमने थीम रखी है वो हमने सारे युवा कवि बुलाए हैं। इसमें राकेश तिवारी जी, पुष्कर चौहान, संगीता यदुवंशी, अमन चुग और मनराज सिंह को हमने इस बार आमंत्रित किया है। और इसी दिन हम लोग जो है, जो हमारे एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के मेरिटोरियस छात्र हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। जो हमारा तीसरा दिन होता है ये हमारी स्टार नाइट होती है। बेसिकली 7 दिन भर तो इवेंट चलते ही रहते हैं, और स्टार नाइट में इस बार हमने मोनाली ठाकुर को इन्वाइट किया है अपने यहाँ। और मोनाली ठाकुर जो है ये नेशनल अवार्ड विनर है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला हुआ है प्लेबैक सिंगिंग में, इसके अलावा ये फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता है। और जी सिने ये जो आपका किड्स के लिए जी किड्स का जो जी स्टार का जो शो होता है इसको भी इन्होंने होस्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन आइडल में भी कुछ रैंक इन्होंने हासिल करी थी। तो यही 3 दिन का जो, और ये जो फेस्ट होता है हमारा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फेस्ट होता है। करीब 6,000-6,500 बच्चे इसमें रहते हैं, और इसमें जो विभिन्न इवेंट्स होते हैं इसमें करीब 2.5 लाख प्लस का कैश प्राइज भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मैं अजय चौधरी, प्रेस प्रवक्ता MIT ग्रुप इंस्टीट्यूशन। आज हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कोलहल 2019 के उपलक्ष्य में कराया गया था। यह कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें मोनाली ठाकुर जैसी बड़ी स्टार आ रही हैं, जो छात्रों के लिए, छात्रों में जो है मनोरंजन और छात्रों में शिक्षा की भावना उत्पन्न कर रही है। एक हमारा प्रयास है।